फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और ट्रॉपिकल फ्लावरिंग वाइन के ऊपर है, जिसे ब्लीडिंग हार्ट बोलते हैं और इसका साइंटिफिक नेम होता है स्लेरोडेंड्रन थॉम्सोनिया। तो इस ब्यूटीफुल से फ्लावरिंग वाइन की केयर के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ और इसे प्रोपोगेट कैसे कर सकते हैं कटिंग से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम इसकी सॉइल की बात करें तो इस प्लांट को वेल ड्रेन्ड और स्लाइटली एसिडिक सॉइल पसंद होती है। तो एसिडिक बनाने के लिए बेस्ट तरीका होता है कि आप 40% इसमें कंपोस्ट ले लें, कोई भी ऑर्गेनिक मैन्योर, काउ डंग, वर्मी कंपोस्ट, जो भी आप लेते हैं, और 30% इसमें सैंड लें और 30% सॉइल लें, और साथ में बोन मील और DAP के कुछ दाने और नीम की खली, ये सारे आप मिला लोगे तो हल्की सी एसिडिक सॉइल बन जाएगी इसकी। तो ये तो हो गई सॉइल की बात। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसकी वजह से मोस्टली लोगों के ब्लीडिंग हार्ट प्लांट ख़राब होते हैं, वो है लोकेशन। सही लोकेशन का चुनाव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस प्लांट के लिए। तो जब भी आप ये प्लांट ग्रो करते हो, ऐसी लोकेशन पे इसे प्लेस करें जहाँ पे इसे जो है छनी छनी सी धूप आए। फुल सन, जो तपती हुई सूरज की किरणें होती हैं, वो इस प्लांट को बिल्कुल पसंद नहीं होती हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, ख़ास तौर पे गर्मियों के दिनों में। गर्मी के दिनों में आपको इस प्लांट का ख़ास ध्यान रखना है, और जब भी बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो तो आप इसे छांव वाली लोकेशन पर रखें, और जहां पर इसे सुबह की जो है अच्छी ठंडी ठंडी से जो धूप होती है वो मिल सके। बिल्कुल ऐसा नहीं रखना है कि बिल्कुल शेड में रख देना है कि धूप नहीं मिल रही है। धूप मिलनी है, बट फिल्टर्ड मिलनी है, सूरज की तपती हुई किरणों से इसे बचाना है। और जब जैसे जैसे मौसम अभी चेंज हो रहा है, जैसे अक्टूबर चल रहा है और इसमें अक्टूबर ऑनवर्ड्स और भी अच्छी फ्लावरिंग होती है, जैसे जैसे मौसम अच्छा होता जाता है, तब आप इसे ऐसी लोकेशन पर रख सकते हैं जहाँ पर इस प्लांट को पूरे दिन छनी छनी सी धूप मिलती रहे। इस प्लांट की फ्रेंड वाटरिंग की बात करें तो इस प्लांट को हमेशा सॉइल में हल्का सा मॉइस्चर पसंद होता है, कम्प्लीटली ड्राई साइड पे नहीं होनी चाहिए सॉइल, और हल्का हल्का सा मॉइस्चर रहना चाहिए लेकिन सॉगी भी नहीं होना चाहिए। तो जब भी आप ये प्लांट ग्रो करते हो, एक बड़े साइज़ का पॉट सिलेक्ट करें और उसमें 3 से 4 ड्रेनेज होल्स ज़रूर बना दें ताकि एक्स्ट्रा वाटर ड्रेन आउट हो सके ड्रेनेज होल्स से। अब जल्दी से देख लेते हैं कि इसे प्रोपोगेट कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट को कटिंग से लगाना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। आप इसकी सेमी हार्डवुड कटिंग ले सकते हो। बारिश के मौसम में इसमें बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सेमी हार्डवुड कटिंग 3 से 4 नोड एरिया वाली आप ले सकते हो, जिस तरीके से मैंने ली थी, और उसके बाद आपको बिना रूट हार्मोन के भी आप इसे ग्रो कर सकते हो बहुत आसानी से। फिर भी आप लगाना चाहते हो तो अगर आपके पास अवेलेबल हो तो रूट हार्मोन आप डिप कर लेंगे तो उससे और भी सक्सेस रेट बढ़ जाते हैं, या रूट हार्मोन नहीं हो तो हल्दी, सिनेमन या फिर कुछ भी नहीं हो तो फंजीसाइड में भी आप कटिंग को डिप करके लगा सकते हैं। और ये प्लांट मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही जो है ये ग्रो किया था, इसी प्लांट की कटिंग इसी पॉट में मैंने साइड में लगा दी थी जब बहुत अच्छे से बारिश हो रही थी, और आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से इसमें रूटिंग भी हो गई है। तो बहुत ही इजीली इस प्लांट की कटिंग लग जाती है। अब जल्दी से देख लेते हैं कि इस कटिंग को हमें पॉट में लगाना कैसे है। अब इस कटिंग से ग्रो हुए पौधे को लगाने के लिए मैंने लिया है एक छोटा सा पॉट। आपको भी हमेशा एक छोटे पॉट से ही, जब भी आप ट्रांसप्लांट करो कटिंग को, छोटे पॉट का ही चुनाव करें। छोटे पॉट से स्टार्ट करना चाहिए और बड़े पॉट में आप ग्रेजुअली उसको लेके आ सकते हैं जब उसकी रूट सिस्टम अच्छा हो जाए। और पॉटिंग मिक्स में मैंने लिया है 60% सैंड और रिमेनिंग 40% में मैंने लिया है सॉइल और कॉम्पोस्ट, और साथ ही साथ मैंने थोड़ा सा राइसस और फंगीसाइड भी मिला लिया है। तो आप कोई भी अच्छी क्वालिटी का सिस्टमेटिक कॉन्टैक्ट फंगीसाइड यूज़ कर सकते हैं। और ड्रेनेज होल्स को मैंने कवर नहीं किया है। ड्रेनेज होल्स को मैं कवर इसलिए नहीं किया है क्योंकि मैं इस पॉट को रखने वाली हूँ किसी भी इंडोर प्लांट जहाँ पर छाव होती है, मतलब ऐसी वाली लोकेशन जहाँ पे इंडोर प्लांट्स होते हैं, उसके जो पॉट होता है इंडोर प्लांट का, आप उसके ऊपर इस कटिंग को रखेंगे कुछ दिन के लिए जब तक कि ये प्लांट अच्छे से इस्टेब्लिश नहीं हो जाता है। क्योंकि अभी हमने इसको आज ही निकाला है तो हम बिल्कुल इसको धूप में अभी नहीं रखेंगे, और उसके बाद मैं ये पॉट में इसे लगा दूंगी। थोड़ा सा मैं सॉइल और कम कर ले रही हूँ, मुझे ज़्यादा लग रही थी, और ताकि अच्छे से रूट्स अंदर चली जाएँ सॉइल के। अब सॉइल फिल हो चुकी है पॉट में, और ये है इसका मदर प्लांट जिसकी मैंने कटिंग ग्रो की है, और साइड में एक और भी ये वाइट वाला भी मैंने लगा रखा है क्योंकि मुझे मिक्स मैच करके ग्रो करना अच्छा लगता है। और अब हम प्लांट में अच्छे से वाटरिंग करेंगे। पहली बार बहुत अच्छे से वाटरिंग करनी है आपको, इतनी वाटरिंग करनी है कि ड्रेनेज होल से पानी ड्रेन आउट होना स्टार्ट हो जाए। पहली बार इसलिए अच्छे से करनी है क्योंकि हमने अभी कटिंग को निकाला है और हम नहीं चाहते कि हमारी कटिंग किसी भी तरीके से शॉक में आए।
अब हम इस पॉट को रखेंगे किसी भी इंडोर प्लांट के पॉट के ऊपर। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ किसी और नए टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर प्लांट्स। हैप्पी गार्डनिंग।